हाय गाइज, मेरा नाम है नंदलाल और मेरे चैनल नंदलाल कुमार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आपको पूरा समझ में आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है नंदलाल कुमार 19, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो भाई को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको थंबनेल बनाने का ट्रिक्स जानना है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पिक्सल लैब के एप्लीकेशन में आएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स इमेज साइज चूज करेंगे। यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करेंगे, ओके करना है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसके बाद हम इस पर बैकग्राउंड कलर देंगे। यहाँ पे हम ये कलर वाले चूज करेंगे। इसके बाद हम न्यू टेक्स्ट को डिलीट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम इंपोर्ट पे अपना फोटो चूज करेंगे। हम गैलरी पे आएंगे फ्रेंड्स, गैलरी से एक फोटो को, ये वाले फोटो को लेना है फ्रेंड्स। ये क्लिक करके ओके करेंगे, क्रॉप करेंगे फ्रेंड्स दोनों साइड से, इधर से भी थोड़ा क्रॉप करेंगे, ऊपर से भी हल्का क्रॉप कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि फोटो सही साइज से आ जाए। ओके करेंगे, इसे हम एडजस्ट करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा कर लेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा बड़ा करके देखने में थोड़ा और अच्छा लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप ऊपर प्लस के आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट का बटन यहाँ पे लाएंगे फ्रेंड्स। एडिट पे आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे हम मोबाइल से थंबनेल बनाने का आसान तरीका। हम सबसे पहले लिखेंगे मोबाइल से थंबनेल, हिंदी चूज करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरा पहले से हिंदी लैंग्वेज डाउनलोड किया हुआ है फ्रेंड्स, आप भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हम यहाँ पे मोबाइल से थंबनेल टाइप कर रहे हैं, ओके करेंगे फ्रेंड्स। इसका साइज चूज करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम इसमें 3 वाले फॉन्ट में जाके, 3 वाले सबसे बेस्ट लग रहा है फ्रेंड्स ये फॉन्ट में। इसके बाद इस पर साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे फ्रेंड्स, जो कि देखने में और अच्छा लगे, बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इतना ठीक है फ्रेंड्स, ओके करेंगे। इसके बाद हम इस पर कलर डालेंगे, हम यहाँ पे रेड कलर देते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसमें बी, ताकि और थोड़ा बोल्ड टाइप करेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हम स्ट्रोक को एनेबल कर देंगे, ओके करेंगे। बगल में शैडो का ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसे भी एनेबल कर देंगे, और यहाँ पे कोई कलर दे देंगे, ताकि देखने में और थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरह हम टाइप के साथ 3 टेक्स्ट पाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम बनाने का टाइप करेंगे, ओके करेंगे। साइज थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स जल्दीबाजी में बता रहे हैं फ्रेंड्स, आप थोड़ा अच्छा से बना लीजिएगा फ्रेंड्स, हम फिर बताने के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इसको थोड़ा साइज फ्रेंड बड़ा हो गया, इसे हम छोटा कर लेंगे थोड़ा,
सही से एडजस्ट करेंगे फ्रेंड। इसके बाद हम कलर्स में दे देंगे फ्रेंड्स, इसमें दूसरा कलर देते हैं कोई, ये वाला कलर थोड़ा ठीक लग रहा है फ्रेंड्स। फिर टेक्स्ट पाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखेंगे आसान तरीका, एडिट पाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे आसान तरीका, ओके करेंगे, इसे हम सही से एडजस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद ए बी फोल्ड पे आके फ्रेंड्स हम बोल्ड वाला साइज ओके करेंगे। अब इस पर हम कलर डाल देंगे फ्रेंड्स, इसमें कोई और कलर डालेंगे, ये वाला ठीक है फ्रेंड्स, या नहीं तो वाइट ही अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम स्ट्रोक को एनेबल कर देंगे, ओके करेंगे, शैडो को भी एनेबल कर देंगे तो और थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। इसके बाद हम बीच वाले बनाने का हमें उस टाइम शैडो नहीं दिए थे, स्ट्रोक देते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद शैडो भी एनेबल कर देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए तीनों का साइज ठीक है, इसे ऊपर वाले को थोड़ा साइज बढ़ा कर देते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा छोटा लग रहा है। तो इस तरह फ्रेंड्स करके आप थंबनेल आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का अपडेट में यही आपको बताने वाला था। तो दोस्तों ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फ्रेंड्स एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करके पीएनजी फाइल में आप सेव टू गैलरी क्लिक करेंगे तो ये आपका गैलरी में चला जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का ट्रिक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना आसानी से सीख गए होंगे। फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपका जवाब का रिप्लाई दे सकूं और उस कमेंट का वीडियो उस टाइप का बना सकूं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।